हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल पर पूरी एनर्जी से। और ये वीडियो होगा सीटेट, जी हाँ, केवल और केवल सीटेट एग्जाम के लिए। और 100% वर्किंग ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुक्का कैसे लगाएंगे। देखिए, तुक्का लगाने के लिए जरूरत सबको पड़ती है, चाहे जो जितना भी महारथी एग्जाम देने जा रहा हो। लास्ट में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको नहीं आते रहते हैं, और बस उन्हीं क्वेश्चंस में आपको क्या गुणा गणित करना है। इस वीडियो में मैं एकदम थियोरेटिकली आपको समझा दूंगा। ये 10 मिनट का वीडियो आपको कम से कम 10 नंबर से ज्यादा की चीजें तो लेकर के आएगा। ये देख लेना, नहीं तो पेपर दे करके जब आओगे तब कमेंट करना इस वीडियो पर। सबसे पहले जो मैं विश्लेषण करने वाला हूं आपके पेपर का, कि अब मान लो कि आपने क्वेश्चन बहुत पढ़ा है, बहुत तैयारी की है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 150 में 150 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो ये उस स्थिति में काम करेगा ये तरीका, जब आपको 10 20 50 क्वेश्चन नहीं आते या किसी भी एक सेक्शन के नहीं आते। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। 150 प्रश्न का पेपर आता है और इसमें दोस्तों 5 खंड रहते हैं, ठीक है, 5 खंड रहते हैं। सीडीपी पहला खंड, लैंग्वेज 1 दूसरा खंड, लैंग्वेज 2 तीसरा खंड, मैथमेटिक्स चौथा खंड, और ईवीएस को रखेंगे 5वें नंबर पर। समझ गए? अब आपको पेपर आपको मिला एग्जामिनेशन हाल में 150 का, तो ओएमआर वगैरह सब सही भरोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सीडीपी से पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन जो हम सॉल्व करते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 30, अब 30 में आपको हो सकता है कि 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आ रहे हो, 20 क्वेश्चन आ रहे हो, 10 जो नहीं आ रहे हो उनको अभी छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद क्या सॉल्व करना है आपको, इसके बाद आप आ जाइए मैथ को सॉल्व करिए, जितना आ रहा है उतना देख लीजिए, ईवीएस को एक बार देख लीजिए जितना आ रहा है उतना, लैंग्वेज 1 में हिंदी है या जो है लैंग्वेज 2, ये दोनों देख लीजिए। मैथ एक बार में जो सॉल्व हो बस उतना ही देखना है। अगर 5 सॉल्व हो रहा है तो बस 25 छोड़ दो, यहां भी अगर 15-20 आ रहा है तो बाकी 10 छोड़ दो, लैंग्वेज 2 में भी जो आ रहा है नहीं तो सब में छोड़ दो, ठीक है। अब ये आपकी कैपेसिटी है कि जो पहला राउंड आपने किया उसमें आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, ठीक है, अभी आपने दिमाग नहीं लगाया, ज्ञान का प्रदर्शन किया, पेपर पढ़ा, आप जितने आ रहे थे बस उतने मेहमान में बोला, भरते चले गए, सॉल्व करते चले गए, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, ये पहला स्टेप है, क्योंकि ये तो आप पेपर देने जा रहे हैं, ये तो आपको करना ही है। जो आपको इजी लगे उस वे में आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, चाहे जिस सेक्शन को पहले सॉल्व करें ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि पहले स्टेप में आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। पहले स्टेप में आपको आते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आते हुए क्वेश्चन को अगर 5 सेक्शन में आपने सॉल्व किया तो मिनिमम 50 क्वेश्चन प्लस आप सॉल्व कर ले जाओगे। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग 70 प्लस सॉल्व कर ले जाएंगे, पहले राउंड में 70 प्लस कर ले जाएंगे। जिनका 70 प्लस हो जाएगा जान लो उनका 100 प्लस क्रॉस करेगा, और जिनका 50 प्लस रहेगा उनका 90 प्लस क्रॉस करेगा। कैसे कैसे? अब हमें देखना है क्वेश्चन का टाइप। दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन का जो टाइप होता है, एक क्वेश्चन एक नंबर का, ये आपको पता है। उसमें विकल्प कितने होते हैं? 4 विकल्प होते हैं। अब इन 4 विकल्प में हम अगर बात करें तो जो संभाव्यता होती है एक विकल्प सही होने की वो 25% होती है। अब जो आपको कुछ क्वेश्चन है 50 से 70 क्वेश्चन जो आपको 100% आ रहे थे, ठीक है, 50 से 70 क्वेश्चन जो आपने पहले राउंड में सॉल्व कर लिया, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने 50 से 70 यानी लगभग आधा पेपर, लगभग आधा पेपर आपने 100% सॉल्व कर लिया। अब आपका जो बचता है आधा पेपर, इसमें आपको क्या छांटना है? 2 टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये होता है जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद ऑप्शन देखा, ठीक, ऑप्शन देखने के बाद आपको 50% है, यानी 50% का मतलब 2 ऑप्शन में डाउट है कि यार या तो बी सही होगा या सी सही होगा, ए बिल्कुल सही नहीं होगा, डी बिल्कुल सही नहीं होगा इसमें, ठीक है। ऐसे आपको 10 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, 50-50% वाले में जो आपको सुटेबल लगे कि नहीं यार मैं इसके लिए जा सकता हूं, ठीक है, वो आप सॉल्व करते हो, ठीक है। मतलब कुछ
क्वेश्चन में ये आप श्योर रहते हो कि नहीं ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का ये नहीं हो सकता। और सीटेट की पेपर की जो मूल चीज है, मूल चीज मैं बहुत खास चीज बताने वाला हूं, कि अगर पेपर में क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ गए, उसके ऑप्शन को समझ गए, तो 100% मतलब 90% तो आप पहुंच ही जाते हो कि क्वेश्चन के उत्तर के नजदीक। सीटेट का जो पेपर होता है वो डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को कितना ध्यान से समझा है, क्वेश्चन को किस तरह से लिया है। उसे अपने ऊपर लीजिए कि जैसे वो चीज आपके साथ हो रही है। सीटेट में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशन देता है, उन सिचुएशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो अपने ऊपर ले लीजिए एकदम धैर्य और विवेक से। ये टूटना नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, समय पर्याप्त रहता है। हालांकि पेपर थोड़ा बड़ा रहता है, टाइम टेकिंग रहता है, पढ़ने में समय लगता है, लेकिन अगर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया, माइंड में आंसर आ गया, तो एक नंबर आपका वो सॉलिड हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बिना ध्यान से पढ़े आपको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। अब आप जो है ऐसे जब 50% वाले क्वेश्चन मतलब 50-50 वाले 10-20 कर लिए तो आप अराउंड 90-100 के अराउंड पहुंच जाते हो, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन आपका सेम बचता है जो आपका बिल्कुल भी आपको नहीं आता, आपको लगता है कि यार मैं इसका 40 क्वेश्चन बचा, 30 क्वेश्चन बचा, यार मैं इसका उत्तर क्या दूं, तो वहां पर जो समझा देता है कि अगर एक बार आप पेपर में टाइम है काउंट कर सकते हो या अंदाजा लगा सकते हो कि आपने किस ऑप्शन को सबसे कम लगाया है। हर पेपर में मैं आपको बता दूं कि जो संभाव्यता रहती है आंसर के सही होने की वो 30 में से 9 ऑप्शन 8 ऑप्शन सारे सही रहते हैं। जैसे बाल विकास में 30 पूछेगा तो 7-8 सब लगभग 6-7-8-6 ऐसे सही रहेगा, ठीक है। तो अब आपने अगर आंसर लगाया है ज्यादातर बी लगाया है, सी लगाया है, कोई एक ऑप्शन है जो आपने मात्र 2 ही लगाया है, एक ही लगाया है, उस पर आप तुक्का के लिए जा सकते हो। यह खासतौर पर मैथमेटिक्स में होता है, मैथमेटिक्स आपको 10-5 नंबर आ रहा है, 20 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन में आपने डी बिल्कुल नहीं लगाया, तो अगर आप 20 में आप डी सारे ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो 5 से 6 डी 100% सही हो जाएगा। तो आपका 10-6-16 स्कोर जो है गणित में हो जाएगा, जो कि बिल्कुल 10 था तो 6 स्कोर आपने इंक्रीज किया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 1-2 की तुक्का लगाने की, तो जो गेस होता है हमारा वो क्वेश्चन पर ही होता है, क्वेश्चन की प्रकृति पर होता है, क्वेश्चन के नेचर को समझिए, ठीक है। अगर आपने नेचर को समझ लिया, सिचुएशन को समझ लिया, तो माइंड में आपके उत्तर ऑटोमेटिक टिक करेगा। अगर एक भी ऑप्शन आपको थोड़ा सा भी क्लियर हो रहा है तो उसके लिए जाइए, उसे अंदाजा लगाइए, गेस करिए, नंबर मिलेगा। अगर आपने 25-30 ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो उसमें 10-15 100% सही होगा। ये ट्रिक बिल्कुल काम करती है। लोग करते क्या है, जो सही ऑप्शन होता है वो काउंट कर लेते हैं, सही ऑप्शन को काउंट कर लिए कि हमने ए कितना लगाया है, बी कितना लगाया है, सी कितना लगाया है और डी कितना लगाया है। अब चारों में से जब काउंट कर लिए तो सबसे कम जो ऑप्शन आपने लगाया है, जिस ऑप्शन के लिए आप सबसे कम वो है, उसके लिए अगर आप तुक्का करते हो तो सबसे ज्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं, जान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सही ऑप्शन आपने भर दिया है, ए बी सी डी बचा, मैं डी एग्जांपल कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन आप सबसे कम लगाते हैं उसी ऑप्शन पर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सी 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 डी 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 लगाते हो तो 10 सी में यार 2-3 सी तो सही हो ही जाता है। और नॉर्मली मैं बता दूं कि सीटेट के एग्जाम में उपर्युक्त दोनों अगर ये ऑप्शन है तो बिल्कुल सही होगा, एक नंबर मिलेगा, उपर्युक्त दोनों, अगर उपर्युक्त सभी है और ऑप्शन पॉजिटिव आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, ऊपर के तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है और चौथे पे दे दिया आलाधी अगर, तो ये सही होगा। क्वेश्चन की फॉर्म आप पकड़िए कि क्वेश्चन की फॉर्म पी फॉर पॉजिटिव है या नी फॉर निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से शिक्षा की कौन सी विशेषता है, तो ये क्वेश्चन है पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है, तो वहां पर आपको ऑप्शन में 3 चीजें पॉजिटिव मिलेंगी शिक्षा की विशेषता की, 1 निगेटिव मिलेगा और वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप उत्तर गेस कर सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। दूसरी चीज यह है कि सबसे बड़ा ऑप्शन सीटेट के एग्जाम में, सबसे बड़ा ऑप्शन ज्यादातर संभावना होती है कि जो बड़ा ऑप्शन है और उसमें एक बार देखो परखो कि यार जो बात कहा है क्या ये ठीक है।
अगर वो ठीक लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, तो वो सबसे बड़ा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ए और बी दोनों अगर आपको ऑप्शन दे रहा है तो वो सही हो सकता है, या फिर तीन ऑप्शन ऐसे दे रहा है जो पॉजिटिव है और उपयुक्त तो सभी चौथे नंबर पर दे रहा है तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऐसे करके कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के सीटेट में रहते हैं जिसमें उपयुक्त तो दोनों ए ऑप्शन बी ऑप्शन पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं या सबसे बड़ा ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये है सीटेट को क्रैक करने की निंजा टेक्निक। अगर इतनी टेक्निक्स को 150 मिनट में आपने 150 प्रश्नों पर अप्लाई कर दिया तो आपका स्कोर 100 प्लस लाने से कोई माई का लाना नहीं रोक सकता। चाहे आप पेपर देने के बाद आना और मेरे वीडियो पर कमेंट करना, अगर ये ट्रिक काम ना करे तो डिसलाइक करके चले जाना। गारंटी ले रहा हूं मैं कि ये जो मैंने बता दिया स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पर अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको 50 क्वेश्चन याद रहेगा। तो 50 क्वेश्चन को दूना 100 प्लस नंबर लेकर के घर आओगे और मार्कशीट देखोगे अपने डिजी लॉकर में, हाथ में नहीं डिजी लॉकर में। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक शेयर करें, फॉलो करें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम मास्टर का। हाँ, जिनको चाहिए यार नोट्स तो व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है देखिए 94-52-26-74-92। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक महीना लास्ट के नोट्स सीटेट के, यूपी टेट के या सुपर टेट के आप प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम लिख करके भेजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए लास्ट वन मंथ के लिए। प्रैक्टिस सेट, नोट्स और लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगा। थैंक यू।